हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और एक बार सब बच्चों का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग बेसब्री से इंतजार थे, सर इनऑर्गेनिक से लगता है डर। अरे तो बच्चों टेंशन मत कीजिए, द वेरी 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 फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज इनऑर्गेनिक ट्रिक्स विद द सबसे आसान तरीका वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें अगले 10 मिनट में आपको बहुत आनंद आने वाला है। क्या है सबसे पहली ट्रिक? दैट इज ट्रिक टू फाइंड डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। इतना सा काम अपनों को करना है, इतना सा काम करना है, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन आते हैं, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन आते हैं तो स्पीशीज डायमैग्नेटिक होगी, यदि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि ओड आते हैं तो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होगी। क्या होगी? स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होगी। केमिस्ट्री की दुनिया में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की दुनिया में बात करें तो एक एक्सेप्शंस को साथ लेके चलना, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, है ये इवन नंबर बट स्पीशीज क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। अरे एक बार बस इतनी सी बातों को दिमाग में रख लीजिए, आनंद ही आनंद है। क्या बोला सर, आप दोबारा बता दीजिए। अरे सुनना ध्यान से, यदि आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, यदि वो इवन आ गए तो स्पीशीज डाया, यदि वो ओड आ गए तो स्पीशीज पैरा। बट यदि किसी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो भी वो स्पीशीज कैसे निकल के आ रही होगी? तो भी बच्चों वो स्पीशीज कैसे निकल के आएगी? वो स्पीशीज पैरा निकल के आने वाली है। क्या अपनों को ये वाली बात क्लियर? बहुत आसान तरीका, आई होप आपको आनंद आएगा। सवालों की प्रैक्टिस करते हैं तब आपको और आनंद आएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सिंपली, सबसे छोटे से मॉलिक्यूल से बात करता हूँ, लेट्स से N2 की बात करता हूँ। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, सर N का एटॉमिक नंबर 7, 2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इज ए इवन नंबर, हेंस द स्पीशीज वुड बी डायमैग्नेटिक। अरे वाह सर, O2 सर 16 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर। अरे बट सर आपने बोला था, एक बात याद रखना है, इवन में डाया, ओड में पैरा, ओड में भी क्या करना है, 10, 16 और 32 वालों को क्या याद रखना है, वो भी क्या होंगे अपनों के पास, पैरा होंगे, दैट स्पीशीज इज पैरा मैग्नेटिक। देन वट अबाउट सर O2+? देखो यार O2+ बना कैसे होगा, O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तभी तो प्लस चार्ज आया। क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूँ कि O2+ बना कैसे होगा? सर O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया यानी 15 इलेक्ट्रॉन आ गए तो स्पीशीज वुड बी, 15 इलेक्ट्रॉन के साथ नो डाउट स्पीशीज वुड बी पैरा। सर O2+? अरे 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, नो डाउट 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्पीशीज डाया आ रही होगी, शानदार। सर O2-, क्या ख्याल है आपका O2-? अरे खुद सोच के बता दीजिए, O2- की बात करूं तो क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूं कि सर आप बात कर रहे हैं O2- की? हाँ सर, 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया जभी तो स्पीशीज पे माइनस चार्ज आया। O2- का मतलब क्या है? सर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यानी 16+1=17 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओड नंबर द स्पीशीज वुड बी पैरामैग्नेटिक। सर O2-, अरे 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, स्पीशीज वुड बी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ डायमैग्नेटिक। क्या आप लोगों को कुछ सेकंड्स भी लग रहे हैं क्या इस सवालों को करने के लिए? अरे नहीं सर, आनंद आ रहा है। आइए तो बच्चों और बात करते हैं और सवालों की। क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूँ N2+ का बॉन्ड ये पैरा है या डाया? सर नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक चला गया तभी प्लस चार्ज आया, 13 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्पीशीज वुड बी पैरा। क्या ख्याल है आपका C2 का? सर कार्बन के वैलेंस शेल में 6 2 हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्पीशीज वुड बी डाया। क्या ख्याल है आपका B2 का? सर B2 की बात करें तो B2 यानी बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अरे 10 है इवन नंबर, अरे इवन नंबर तो है बट 10, 16 और 32 वाले कैसे होंगे? पैरा होंगे, और सारे इवन क्या होंगे? डाया होंगे। सर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए यानी पक्का ये पैरा आ रही होगी स्पीशीज, ठीक है सर समझ चमकता है। यदि मैं S2 की बात कर लूँ तो S2 में आपका क्या ख्याल है? अरे सर सल्फर के बारे में क्या सोचेंगे? सल्फर विद एटॉमिक नंबर है 16, S2 की बात करूँ तो क्या 32 इलेक्ट्रॉन हो गए? अरे हाँ सर, 32 वाला भी तो पैरा हो जाएगा। बोलो बच्चों क्या अपनों को ये बात समझने में कोई दिक्कत? क्या सवाल ऐसे सवाल जब भी अपनों के पास आएंगे हम कर लेंगे? अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को एक लॉजिक याद रखना है। क्या यदि स्पीशीज में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्पीशीज डाया, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक।
और क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूँ, क्या 10, 16 और 32 इलेक्ट्रॉन्स वाली बीच बीच क्या आ रही होंगी, पैरा निकल के आ रही होंगी, बोलो क्या अपनों को ये बात समझने में दिक्कत आया ना। अरे सर इसमें तो आनंद ही आनंद है, कुछ और धमाका कर दीजिए आज और बढ़िया चीज़ें बता दीजिए। आइए तो बच्चों लगे हाथ आपको कुछ और शानदार चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से अगली चीज़ सुनना। कई बार यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट से सवाल आता है, कई बार यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट से सवाल आता है, उसका फॉर्मूला अपने को दिमाग में रखना है। अगेन बहुत सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ तो म्यू इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ एन इन टू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। बी एम इज नथिंग बट बोहर मैग्नेटॉन, इट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एन क्या है, एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सर ये कैसे लिखूँ, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आता। अरे क्या अपनों को ये बात समझने में दिक्कत है, तो आइए आनंद लूटते हैं इस मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की बात करने जा रहा हूँ। लेट से मैं आयरन लिख देता हूँ, क्या आप आयरन का कन्फिग्रेशन लिखना चाहेंगे? अरे सर आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, आर्गन तक इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर बन गया अपने पास 4s2 और 3d6। Fe2+ की बात करूं, Fe2+ की कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गन 3d6, 4s2 के दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 3d6 की बात करूं तो कुछ ऐसा नजारा होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। हाँ सर ऐसा डब्बा हमने भर दिया है। अनपेयर्ड यानी वो इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए जिसके अंदर जिन्होंने पेयरिंग नहीं की। सर ऐसे तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, जो लोग पेयरिंग नहीं कर पाए बेचारे अकेले हैं। तो एन का वैल्यू कितना, 4। एन का वैल्यू 4 आ गया तो अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे, बोलो हाँ है ना। अरे हाँ सर आनंद ही आनंद है, बहुत शानदार। आइए तो आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं आपको Mn2+ की बात कर लेता हूँ, Mn विद एटॉमिक नंबर 25, क्या पहले ऐसे लिख सकते हैं आर्गन, और यहाँ पे कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो 3d5। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। एन का वैल्यू बताओ। अरे सर सारे के सारे अकेले घूम रहे हैं, यानी सारे के सारे क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। एन का वैल्यू 5, तो म्यू का वैल्यू निकाल लूँगा स्क्वेयर रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2 से। हाँ सर निकाल लिया जा सकता है, यहाँ पर √35 से आंसर आ जाएगा। ठीक है एक बात और सोच के बताना, यहां पर आप क्या मुझे कोपर प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? यदि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो, अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो एन का वैल्यू जीरो डालोगे, यानी सारे डब्बे फुल हो गए, सारे डब्बे फुल हो गए तो एन का वैल्यू जीरो आएगा, एन का वैल्यू जीरो आएगा तो क्या हम ऐसी बात कर सकते हैं कि सर वहां तो पक्का पक्का स्पीशीज कैसी होगी? स्पीशीज का तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो स्पीशीज डाया मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो निकल कर आ रहा होगा। आप मुझे कोपर प्लस का आंसर बताएंगे, द रीज़न इज कोपर प्लस की पहले कन्फिग्रेशन अपनों को लिखनी सीखनी है। कोपर प्लस से पहले मैं आपको क्रोमियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। क्रोमियम विद एटोमिक नंबर 24, आर्गन तक इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 4s2 3d4। सर सही है? अरे नहीं नहीं कुछ तो लोचा है, ध्यान से सुनना क्या लोचा है। आर्गन 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा हाफ फिल करने के लिए 3d को, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4s1 3d5। दिस इज द राइट कन्फिग्रेशन, दिस इज द रोंग कन्फिग्रेशन। द रीजन इज यहाँ हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गई डी के पांचों ऑर्बिटल्स में, डी के पांचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन अपनों को नजर आ गया, तो क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूँ हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन के कारण यहाँ पर क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल गए अपनों को, 6 मिल गए। कैसे सर? अरे 5 तो डी कर और एक एस का, 5 डी के और एक एस का, क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूँ क्रोमियम में? यदि मैं क्रोमियम प्लस की बात करूँ, क्रोमियम प्लस की बात करूँ तो क्या आप ऐसा सोच रहे होंगे, सर आर्गन 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d5। कुछ बच्चों के माइंड में सवाल आएगा सर 3d5 से क्यों नहीं भगाया? अरे एक बार सोच के देखना, ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये शेल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे। हाँ सर जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करेंगे तो बाहर वाली शेल से निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 4s से जाएगा, यानी यहाँ पर 3d5 कन्फिग्रेशन बनेगी, यानी क्रोमियम प्लस के लिए n का वैल्यू 5, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं 5 इंटू 5 प्लस 2। आप मुझे बस आंसर में वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोपर प्लस का आंसर बता देना, मैं बहुत खुश होऊंगा और आपके आंसर का इंतजार रहेगा।
और ये दो ट्रिक जो आपको बताई हैं, आई होप आपको आनंद जरूर आएगा इस वीडियो में। वीडियो को छोटा छोटा ही रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा आनंद आए। टीचिंग पसंद आ रही है, डेडिकेशन पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिए और बगल में घंटी का बटन आता है उसको जरूर दबा लेना, क्योंकि जब जब वीडियो आएगी और आपको आनंद ही आनंद आएगा। और जो चैप्टर आपने को पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक में डर है, ऑर्गेनिक में या फिजिकल में, तो दिल खोल के बोलिए वालिया सर के चैनल पे और आपको वीडियो जरूर मिलेंगी। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।